विंध्या तिवारी है रशिया में। पेश है विंध्या तिवारी की ट्रैवल डायरी सीधा मॉस्को से। पर यहाँ पर ट्रैवल बहुत ही सेफ है, इसलिए विंध्या आज एक सिंगल वुमन गर्ल्स ट्रैवल कर रही है मॉस्को में। मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी बन गया है विंध्या के ट्रैवल का हम सफर, और विंध्या ने एक्सप्लोर किया मॉस्को को एक सिंगल गर्ल ट्रैवलर की तरह। देखे मॉस्को के नज़ारे और ये सारे मोमेंट्स विंध्या बांट रही है सास बहू और बेटिया के साथ। और विंध्या ने पकड़ी दिल्ली से मॉस्को की 5 घंटे की फ्लाइट और लैंड किया मॉस्को एयरपोर्ट पर। Flight was smooth, the snacks were amazing, and the feel. Actually, Russia बहुत ठंडी लगने वाली है. So, Bombay में बहुत गर्मी है और Russia में एकदम अचानक से इतनी सर्दी. So let's see how my body is gonna react. Yeah, it was very very simple. They just ask you आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, and why you are here. That's it. रशिया के ठंडे वेदर ने किया उनका स्वागत। यहाँ की सर्दी इज लाइक अमेजिंग। अब निकल पड़ते हैं सफर पर। सबसे पहले विंध्या पहुंची अपने होटल लॉटे में, चेक इन किया और फिर निकल पड़ी उस जगह पर जहां पर रशिया फील होता है। इस जगह का नाम है क्रेमलिन। मेरा जूता है जापानी, मैं पतलून हिंदुस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वेल, पतलून तो नहीं है अभी और सर पे टोपी भी रूसी नहीं है, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है। और हम जहां भी जाते हैं अपनी खुशियों से, अपनी बातों से, अपने जज्बातों से, अपनी संस्कृति से, अपनी कला से अपनी छाप जरूर छोड़कर आते हैं। तो अभी भी यहाँ पर हमारी जो टीम है वो यहाँ से है, रशिया से है, और हमने इन्हें चाय पिलाई अपने स्टाइल में, और अब हम जा रहे हैं क्रेमलिन, राइट? या सो आवर एंटायर टीम इज गोइंग ओवर देयर, और ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है, तो मैं स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैं बिल्कुल कैसी थी और अब बहुत कुछ पहन लिया है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेदर एंड बने रहिए हमारे साथ, लेट्स गो। तो हमने टिकट ले लिया है, ये देखिए, क्रेमलिन म्यूजियम में जाने के लिए, और यहाँ पर हमें बहुत सारी बातें पता चलेंगी रशिया के बारे में और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, और भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ जो हमें पता ही नहीं है हमें पता चलेगी। तो चलिए जानते हैं यहाँ के कल्चर को और यहाँ के इतिहास को। वी आर एट यूनेस्को हेरिटेज क्रेमलिन और मेरे साथ याना है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। हाय याना। हाय, वेलकम टू मॉस्को। I'm so great to see you. Yeah, me too. And you know, it's an absolute pleasure. It's an absolute pleasure to be here. Yana, please tell me something about this place. Why we are going here? Oh my God. I think that's one of the first things that comes to your mind when you speak of Moscow, because this is the Kremlin. Yeah. And the Kremlin is like the symbol of our city. That's the medieval fortress that was built in the 15th century. Can you imagine it? It works as the residence of our leaders of our countries. Mm-hmm. So our president works from the Kremlin, and we are going to visit that. Yeah, so let's go over there. और मुझे यहाँ पर ना बहुत ठंड लग रही थी, तो ये जो जैकेट है ये तो खैर मैं लेकर आई हूँ इंडिया से, लेकिन
यार आई सो स्वीट, उन्होंने अपनी ये मोफलर मुझे बना दिया है. तो आप मुझे ये बताइए याना, आई लव यू कैसे बोलते हैं? या लुबलू चिबा. या लुबलू चिबा. और आप मुझे कुछ सिखाइए. आई डोंट स्पीक इंडियन. नो, आपने कहा वातावरण, मैंने आपको वातावरण. वातावरण. वाइब्स गाइस, वाइब्स. या जिमी 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 जिमी. Thank you so much, guys. Come on. यहाँ पर आप रशिया के सदियों पुरानी इतिहास और कल्चर को फील कर सकते हैं और विंध्या ने अपने सफर की शुरुआत की क्रेमलिन के. वैसे क्रेमलिन एरिया में घूमने के लिए बहुत कुछ है, फिर चाहे यहाँ की सड़कें हो, यहाँ पर आर्किटेक्चर हो, लेकिन एक चीज है जो रशिया का सिंबल है. जी हाँ, ये है सेंट बेसिल कैथेड्रल, जो मॉस्को की शान है. 16वीं शताब्दी में बना हुआ ये कैथेड्रल अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और भव्यता के लिए सबके बीच लोकप्रिय है. ताजमहल की खूबसूरती को बहुत गौर से हमेशा एक ही कलर में किया जाता है. बिल्कुल गुजरिया बन गई हैं विंध्या. और देखिए इस गुजरिया ने इन खूबसूरत नजारों के साथ अपना एक रील और म्यूजिक वीडियो बना डाला.